बिलासपुर में डायरिया पीड़ित महिला समेत दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस मौत के बाद 48 डायरिया पीड़ितों को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया। आपको ये भी बता दें कि सरकंडा क्षेत्र के चाटीढी मोहल्ले में डायरिया फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 40 से ज्यादा बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 52 मकानों का सर्वे किया और पानी के सैंपल लेकर जांच की है। और ज्यादा जानकारी के साथ उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, बताए क्या पानी के सैंपलों की जांच की जा रही है और जो अस्पताल में भर्ती है उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिये, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है उनका उपचार तो चल रहा है, लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब यहाँ पर डायरिया से पीड़ित मरीजों को यहाँ पर एडमिट किया गया। इससे पहले हम पिछले साल की बात करें तो 7 लोगों की डायरिया से मौत हुई थी। और ये जो इलाका था तानापारा इलाका था, और जो मुख्य वजह तो निकलकर सामने आई, उसकी ये वजह निकलकर सामने आई, नालियों से होकर गुजरने वाली जो पीने की पाइपलाइन है उसके जरिए पानी जो है गंदा पानी वो लोगों के घरों तक पहुंचा था, और उसका सेवन करने से उल्टी दस्त जैसी शिकायतें कल सामने आई। इसके बाद धीरे धीरे एक दो से मामला ये बढ़कर सीधा दर्जन में पहुंचा, और उसके बाद 40 से 45 लोग एक साथ बीमार पड़ गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और वहां पर डॉक्टर थे, तत्काल उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ठीक है उमेश।